नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ इस वक्त अरविंद कुमार सिंह। खबर बलिया से, जहां 71 लोकसभा सलेमपुर से भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेश कुमार सिंह कुशवाहा भाई जी एक बार फिर मीडिया के सामने एक बार फिर आए। 71 लोकसभा सलेमपुर सीट को लेकर हमला बोला और क्या कुछ कहा, आपको आइए सुनवाते हैं। अभी कुछ रोज पहले सलेमपुर से भाजपा के सांसद एवं भाजपा के प्रत्याशी रविंद्र कुशवाहा अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रहे थे, तभी उनको कुछ लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। आइए दिखाते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट में कि क्या कुछ कह रहे हैं 71 लोकसभा सलेमपुर से भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेश कुमार सिंह कुशवाहा भाई जी। मैं राजेश कुमार सिंह कुशवाहा भाई जी आने वाले दिनों में प्रत्येक गांव, प्रत्येक शहर, प्रत्येक चट्टी चौराहे में यह दशा उनकी होने वाली है। जिस व्यक्ति ने 5 साल लोगों से नहीं मिला, कार्यकर्ताओं की कोई मीटिंग नहीं की, कार्यकर्ताओं की पहचान नहीं की, कार्यकर्ताओं को ढूंढा नहीं, उनके दुख दर्द में काम नहीं आया, न जनता के दुख दर्द में काम आया, न किसी गाँव में गया वो व्यक्ति, न किसी गांव के रास्ते और कौन गांव में कौन जातियां रहती हैं ये देखे। वो अपने पिता के जमाने में देखे होंगे, उनके पिताजी अच्छे नेता थे, इसमें कोई दूरा नहीं। उनके नक्शे कदम पर भी इन्होंने चलने की कोशिश नहीं की। और जिस व्यक्ति का शाम होते ही मखाना चालू होता है, वो व्यक्ति को पार्टी ने मेरा टिकट काट करके दे दिया। और अभी तो जो जितने लोग मुझे चाहते हैं, चाहे जितने लोगों ने इन्हें पसंद नहीं करते, वो सारे के सारे लोग और भी इनके खिलाफ उतर जाएंगे और इनकी रास्ता चलना से लेकर के प्रचार करना दुर्लभ हो जाएगा। आज हार के कगार पर बुरी तरह से ये खड़े हैं। इनको ये कहते फिर रहे हैं कि मैं बहुत ही अच्छे वोटों से जीत रहा हूं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब यहां ऐसे 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 उम्मीदवार आ गए हैं, बाहर के हों चाहे जैसे भी हों, जब इनको लाइक ही नहीं कर रहा है, जब एक व्यक्ति इनको पसंद नहीं कर रहा है, इनको देखना नहीं चाहता है, जब इनके कारगुजारियों से हर आदमी जब मालूम है, तो हर व्यक्ति इनका बहिष्कार करने पर लग गया है। और निश्चित रूप से 80-90% कार्यकर्ता इनके साथ जाना नहीं चाहता, क्योंकि उनकी इज्जत प्यारी है। इनको तो उल्टे सीधे लोग अब बोलना चालू कर रहे हैं और व्यवहार कर रहे हैं, ये सहे इनको सहना है। और मैं माननीय प्रधानमंत्री के नाम पर जितना वोट अगर व्यवस्था से मिल जाएगा तो मिल जाएगा, वरना सारे लोग नोटा दबाएंगे या दूसरी पार्टी में चले जाएंगे। रविंदर जी देखते रह जाएंगे, पार्टी भी देखती रह जाएगी। अभी भी वक्त बिगड़ा नहीं है। राजेश कुमार सिंह कुशवाहा भाई जी को एक एक व्यक्ति, एक एक औरत, एक एक नौजवान चाहता है। पांचों विधानसभाओं में नौजवान, किसान से लेकर माँ बहने सब चाहती हैं कि राजेश कुमार सिंह कुशवाहा यहाँ का प्रत्याशी बने। वक्त कुछ भी नहीं बिगड़ा है। आज भी अगर टिकट बदलता है तो निश्चित रूप से मैं सलेमपुर में भारी बहुमत के साथ इनके भी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए कमल खिलाने का काम करूंगा। ये जो सलेमपुर में प्रचार प्रसार करने के लिए आज हर पार्टी के लोग घूम रहे हैं, उसी तरीके से सांसद जी भी अपने प्रचार प्रसार में निकले थे, लेकिन इस तरीके से सांसद जी के साथ अगर आम जनता कर रही है, कहीं ना कहीं एक दुर्व्यवहार कर रही है, ये तो गलत चीज है ना, इसको गलत तो माना जाएगा। देखिए, निश्चित रूप से निराशा और हताशा का काम जो है जनता के पास है। इनके प्रति, इनके प्रति आस्था जनता का नहीं है। पार्टी ने सारे सर्वे कराए थे, पार्टी ने खुद कहा था कि ये 50%, 30%, 40% लोगों का टिकट कटेगा, जिसमें ये थे। इनका उसे नाम भी नहीं था, लखनऊ भी, दिल्ली भी, कहीं इनका चर्चा भी नहीं था। और एक बाय एक पता नहीं कहां से ले करके इनको टिकट थमा दिया गया, जिससे पूरी जनता बौखला गई है। पूरी जनता जो चाहती है कि राजेश कुशवाहा का नाम चल रहा था, राजेश कुशवाहा नजर आ रहे थे, राजेश कुशवाहा का सर्वे हुआ, सब कुछ गया, जनता में छिपाने की मैं जान गया हूँ, सब जनता भी जान गई है। और पूरी जनता बौखलाई हुई, इन्हें किसी भी तरह से जनता स्वीकार नहीं कर रही है। इनके साथ इसी तरह के हर गांव, हर गली चौराहे पर दुर्व्यवहार होगा। निश्चित रूप से इनसे, इनके साथ अब कार्यकर्ता भी जा करके अपने अभद्र भाषा को सुनना नहीं चाह रहा है। इनके कार्यालयों में भी लोग नहीं जा रहे हैं। हर जगह से इनके इनके आचरण और इनके व्यवहार का पता, ऐसे व्यक्ति है कि इतने होने के बावजूद भी इनका कुछ नहीं जा रहा है। सारा पार्टी की इज्जत धूमिल हो रही है, पार्टी की छवि खराब हो रही है। ऐसे खराब छवि वाले नेता को तत्काल रूप से हटा देना चाहिए, तत्काल रूप से बदल देना चाहिए, क्योंकि हमारी छवि विश्व स्तर की है। जिसका नाम तूती बोल रहा है, जिसका आसमान में
खिला हुआ हो नाम और जस और कीर्ति उस व्यक्ति के एक नेता को माला पहनाने वाला, बात करने वाला, मिलने वाला कोई जनता नहीं मिल रही है, किसी गांव में नहीं मिल रहा है, कोई जाति नहीं मिल रहा है, सारी जातियां इनको नकार चुकी है। निश्चित रूप से अगर जिताना है सलेमपुर तो राजेश कुमार सिंह कुशवाहा भाई जी को टिकट देना होगा, तभी विजय निश्चित होगी, अन्यथा मेरे समझ से इनके साथ इसी तरह से व्यवहार और भी होगा। ये आज का नहीं है, इनके साथ 6-7 जगह पुतला जलाना, बहिष्कार करना, गालियां देना, गाली गलौज करना, ये अभी सारे लोग अगर भेजना चालू करेंगे ना, देखिएगा कल परसों नरसों के मैं आपको 6 दिन फार्म भरेंगे, उस दिन तक आपको पता चलेगा ये जहाँ गए वहाँ से बहिष्कार हो गए। और मुझे मालूम है अब तक के 150 गांवों में से इनको भगा दिया गया है, क्योंकि फोन करके उस गांव वाले हमें बताते हैं कि राजेश भैया इनको हम लोगों ने गांव में घुसने नहीं दिया, भगा दिया। तो ये तो अब ये खबर पूरा लोगों में जा रहा है और ये काम अब हर जगह होगा। ऐसे छवि विहीन व्यक्ति को टिकट देने की क्या व्यवस्था है हमारे पास? जिसे टिकट दिया गया था वो राजेश कुमार सिंह कुशवाहा है, उसे वापस कर दो, भारी मतों से जीत करके लोकसभा सलेमपुर को मैं आपके झोली में डाल दूंगा। अगर कहीं ना कहीं देखा जाए इनका अगर इतना विरोध हो रहा है आम जनता आम पब्लिक के बीच में, तो फिर पार्टी अपना उम्मीदवार क्यों नहीं बदल रही है? मैं बदलने की तो बात आपसे बारम्बार कर रहा हूँ कि गलती हो गई है, बदल दीजिए। जब सारे सर्वे, सारे संगठन, सारी पार्टी की जितनी मैंने गाइडलाइन थी जो सर्वे की, जिससे उम्मीदवार का जांच परख हुआ था, वो सारा मेरे तरफ में गया था, इनके तरफ नामो निशान नहीं था। अरे व्यवस्था कौन सी थी भैया कि आपको जो है ये उम्मीदवार दिखाई दिया जिसका 5 साल पूरा रिकॉर्ड खराब था, उसे आप दोबारा रिपीट करने में क्या कारण है? कहीं ना कहीं घालमेल और गड़बड़ झाला दिखाई देता है कि आपने अपने गाइडलाइन को, अपने पार्टी की नीति नियम को तोड़ते हुए ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है। अभी भी सुधरने और सुधारने का मौका है, ये इन्हें हटाइए और राजेश कुमार सिंह कुशवाहा भाई जी को लाइए, जिससे पुनः जीत स्थापित हो सके और सलेमपुर के शान बरकरार होते हुए कमल एक यहाँ से खिले और प्रधानमंत्री मजबूत हो और देश का सपना साकार हो, हर नौजवान हर किसान का सपना साकार हो, देश मजबूत हो। ऐसे व्यक्ति से देश खोखला होगा, गरीब व्यक्ति का संदेश भी जो जा रहा है वो बीजेपी के भी संदेश के साथ साथ देश में ऐसे नेता, ऐसे करप्ट भ्रष्ट नेता को टिकट दिया जाता है जो कभी ना बैनर पोस्टर लगाता है, ना कभी मिलता है, ना घूमता है, खाली नेता का बेटा है, करोड़पति का बेटा है, गुंडा का गुंडा है, पैसा वाला है, रुपया पैसा वाला है। अगर यही क्वालिटी है नेता बनाने का तो निश्चित रूप से मुझे मत दीजिए, मैं इसमें नहीं आता हूँ। मैं जनता के घर जाता हूँ, जनता से मिलता हूँ, दुख दुख में शामिल होता हूँ, जनता के सभी तरह से उसके कामों में शामिल होता हूँ, उनको दिखाई देता हूँ, मिलता हूँ इसलिए, और थोड़ी बहुत नहीं 2007 से मिल रहा हूँ, एक मिलने की भी सीमा होना चाहिए। 2 महीने में कोई बना